झूला बनाने के थर्ड पार्ट में आप देखिएगा कि मैं इसमें ये जो हमारा झूले का बेस है इसको जो जिस हैंगिंग से मैं अटैच करूँगी उसको कैसे अटैच करते हैं, ये हैंगिंग बनाने का तरीका मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके लिए इस झूले में जो हमें ये हैंगिंग अटैच करना है इसके लिए हमें चार लाइन तैयार किए हैं। दो लाइन हमारा बड़ा रहेगा, दो लाइन हमारा छोटा रहेगा। छोटे में ये छोटा जो रहेगा दो लाइन एक साथ रहेगा वो हमारा बैक साइड, ये बैक साइड पे जुड़ेगा इस तरीके से। बैक साइड पे जोड़ने के लिए हमें इसको बस जैसे नॉर्मल हम गांठ बांधते हैं किसी चीज़ को बांधते हैं उसी तरह के हमने यहाँ बांध लिया है और इसको इतना इतना डेढ़ डेढ़ इंच पे काट के इसको पिघला के अटैच करके और उसके अच्छे करके चिपका दीजिएगा। और बाकी और जो लंबा वाला, जो हमारा लंबा वाला जो हम आगे इस पॉइंट पे जिस जो हम हैंगिंग को अटैच करेंगे उसको अटैच करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे इसका पॉइंट को ऐसे लेंगे हाफ, एक पर्पल एक वाइट, एक पर्पल एक वाइट करके ऐसे लेंगे, इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे। इसके पहले हमने इस ये वाला जो हमने स्टिक को तैयार किया था, इस स्टिक को हमने यहाँ पे ऐसे इसके अंदर फिट कर दिया है। ये आज फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इसमें वुडन स्टिक घुसाने के लिए डालने के लिए हम इसके लिए ये वाला नॉट अलग से बनाएंगे, जिस मैंने घुसा डाल दिया और ये जितना लंबा हमारा जहाँ लंबाई में गया हमने इसे देख लीजिए लास्ट वाले नॉट में हमने इसको ऐसे लिया, टाइट किया, ऐसे डाल दिया। अब हम यहाँ पे इसको हैंगिंग से अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे टाइट से। फिर उसके बाद ये नीचे वाले में भी हम जाके नीचे वाले में भी जाएंगे, वैसे ही सेम ट्विस्ट करेंगे ज़ोर से और डबल ट्विस्ट करेंगे। डबल ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे गांठ बांध लेंगे जैसा हम गांठ बांधते हैं। और ये गांठ रहेगा हमारा एक पर्पल और एक वाइट का गांठ रहेगा, एक पर्पल और एक वाइट ऐसे टाइट पकड़ेंगे, ठीक है, टाइट पकड़ेंगे। एक पर्पल और एक वाइट का गांठ रहेगा, पर्पल और एक वाइट का ऐसे गठान तैयार कर लेंगे। और तैयार होने के बाद इसको एडजस्ट आप कर लीजिएगा ऊपर नीचे सभी देख के। हमारा जो झूला है वो तैयार हो जाने के बाद बिल्कुल इस शेप का दिखेगा। ये आप देखिए, ये साइड से ये वाला जो हमने ट्विस्ट ये आपको बताया लपेटना, उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी नॉट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसमें ऐसे लंबा करना है, ऐसे बनाना है और इसको भी ऐसे लपेट के इसको बराबर कर लेना है। आप ऊपर वाले में आप देख रहे होंगे, ऊपर वाले में हमने दो छोटा लिया है और दो बड़ा लिया है, दो दो छोटा और दो बड़ा हैंगिंग का हमने यूज़ किया है। अब ये बनाने के लिए हमने इसको छोटे से बड़े से साइज़ में काट डालना है, काट के इसके अंदर मोती डाल के और लटकन को ज्वाइंट कर दिया है गैस के फ्लेम पे और ये हमारा झूला बनके तैयार है। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपको अगर मेरे वीडियो ये बनाने का तरीका पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।